हेलो फ्रेंड्स, दीक्षा स्मार्ट एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी लोगों का वेलकम है। इससे पहले के वीडियो में संख्या पद्धति के ऊपर हमने कई टाइप पर बेस्ड क्वेश्चंस कराए थे और कुछ कंसेप्ट भी सिखाए थे। तो आइए अब संख्या पद्धति पर न चल कर के हम एक नए चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है वर्गमूल एवं घनमूल, जिसे इंग्लिश में स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट कहते हैं फ्रेंड्स। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर फ्रेंड्स। तो आइए घनमूल क्यूब रूट पर हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। किसी संख्या के वर्गमूल ज्ञात करने की हमारे पास दो विधियां हैं फ्रेंड्स। नंबर ए, गुणनखंड विधि। नंबर बी, भाग विधि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड फ्रेंड्स। तो आइए हम विलंब ना करते हुए गुणनखंड विधि की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे फैक्टर मेथड मीन्स गुणनखंड विधि। दोस्तों, गुणनखंड विधि के अंतर्गत किसी संख्या के सबसे पहले गुणनखंड करते हैं। जैसा कि नाम से पता होगा, गुणनखंड विधि फैक्टर मेथड किसी संख्या के फैक्टर या गुणनखंड करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल 64 का वर्गमूल ज्ञात करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 64। तो इसके लिए फ्रेंड्स क्या करेंगे कि 64 पर स्क्वायर रूट लगा देंगे। दोस्तों, नोट में ध्यान रखना है कि इस स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि अगर इसके अंदर कोई संख्या x है तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि उस x की घात पावर 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब उसकी पावर 1/2, रिमेंबर ऑलवेज दोस्तों। तो आइए 64 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो 64 के हम फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर क्या होंगे फ्रेंड्स, 2 × 4 × 8 × 16 × 32 × 64 फ्रेंड्स। इस फैक्टर मेथड के अंदर एक बात ध्यान रखनी है दोस्तों कि इसके अंदर से संख्याएं हमेशा जोड़ों में बाहर निकलेंगी। दो दो के जोड़े बनाते हैं, पेयर्स बनाते हैं, 1, 2, 3। दो दो के तीन पेयर हुए, तो एक पेयर में से एक संख्या लिखते हैं 2 × 2 × 2, इनका मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड, 2 × 2 = 4 × 8। तो हमारा 64 का स्क्वायर रूट 8 आता है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। जैसे 216 का वर्गमूल हमें निकालना है। 216 का वर्गमूल ज्ञात करना है फ्रेंड्स। तो 216 के ऊपर एक स्क्वायर रूट लगा देंगे और 216 के फ्रेंड्स फैक्टर कर लेंगे कुछ इस तरीके से। 216
फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले दो से भाग देंगे तो एकन दो, दो अट्ठे सोलह, दो से फिर दो पंजे दस, दो चौक आठ, फिर दो से दो दूनी चार, दो सत्ते चौदह, दो एकन दो, दो तिया दो एकन दो। अब फ्रेंड्स इसमें नहीं जा रहा दो का, जब नहीं जा रहा तो फिर तीन का देंगे दोस्तों, तीन का तीनम सत्ताईस, फिर तीन से देंगे तीन तिया नौ, तीन एकन तीन, तो ये आया स्क्वायर रूट के अंतर्गत। लिख लेंगे फ्रेंड्स टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री। इसका क्या करेंगे फ्रेंड्स कि इसके अंतर्गत सेम डिजिट के पेयर बनाएंगे, तो दो का एक पेयर, इसका पेयर नहीं बना, तीन का एक पेयर, तो इसमें से दो और तीन बाहर कर लेंगे, इसमें से दो और इसमें से तीन बाहर कर लेंगे। रूट के अंदर क्योंकि इन दोनों डिजिट के पेयर नहीं बने इसलिए हम इसको अंदर ही रहने देंगे फ्रेंड्स, तो तीन दूनी छः मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा सिक्स रूट सिक्स। फ्रेंड्स इस प्रश्न के अंतर्गत दोस्तों सिक्स रूट सिक्स में आंसर होगा या फिर डेसिमल में होगा, दशमलव संख्या में। अंडर रूट सिक्स का वैल्यू हमें कैसे फाइंड करना है इसके लिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे, नेक्स्ट मेथड में बात करेंगे जिसे हम भाग विधि कहेंगे फ्रेंड्स। तो आइए एक और प्रश्न कर लेते हैं। 512 का वर्गमूल वर्गमूल क्या होगा फ्रेंड्स, तो 512 को वर्गमूल के अंदर रख देंगे और 512 के फैक्टर करेंगे फ्रेंड्स, तो फैक्टर क्या होंगे इसी तरीके से करने हैं आपको, तो दो दूनी चार, दूनी आठ, दूनी सोलह, दूनी बत्तीस, दूनी चौंसठ, दूनी एक सौ अट्ठाईस, दूनी दो सौ छप्पन, दूनी 512 फ्रेंड्स। तो आइए दो दो के पेयर बनाते हैं, एक दो तीन चार, तो एक पेयर में से एक अंक लेंगे, दो 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 अंडर रूट टू फ्रेंड्स। इसका आंसर आएगा दो दूनी चार, दूनी आठ, दूनी सोलह, सोलह रूट टू फ्रेंड्स। तो हमारा 512 का वर्गमूल सोलह अंडर रूट टू हुआ। अंडर रूट टू का भी हम वैल्यू आगे नेक्स्ट विधि में डिस्कस करेंगे जिसे डिवीजन मेथड या भाग विधि कहेंगे फ्रेंड्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार के बेसिक से क्वेश्चन, सूक्ष्म क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके होंगे। अब नेक्स्ट मेथड डिवीजन मेथड की ओर चलते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो भाग भाग विधि, भाग विधि डिवीजन डिवीजन, आइए ये विधि बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। इस विधि से अक्सर कंपटीशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इस भाग विधि के अंतर्गत हम दो प्रकार की संख्याओं का के बारे में डिस्कस करेंगे, नंबर ए पूर्ण संख्याएं, पूरी संख्या, पूरी संख्याएं, पूरी संख्या का मतलब जैसे दशमलव नहीं हो, मतलब इंटीजर, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे और दशमलव संख्या का निकालेंगे, दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालेंगे जैसे इंग्लिश में डेसिमल, डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर कहते हैं फ्रेंड्स। अब सबसे पहली वाली लेते हैं, पूर्णांक, पूर्णांक संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना फ्रेंड्स, टू डिटरमिनेशन स्क्वायर रूट ऑफ इंटीजर, टू डिटरमिनेशन स्क्वायर रूट्स ऑफ इंटीजर्स। इसके अंतर्गत दोस्तों सबसे पहले बताना चाहूँगा कि भाग विधि का यूज हमें तभी करना है जब कोई संख्या काफ़ी बड़ी हो, ठीक है फ्रेंड्स। सूक्ष्म अंकों की, छोटी अंकों की संख्या को हम फैक्टर मेथड से ही सॉल्व करेंगे,
जब संख्या काफ़ी बड़ी हो जाएगी तो हम उसको भाग विधि से, हालांकि चाहे छोटी संख्या हो या बड़ी संख्या हो, भाग विधि से दोनों ही हो सकती हैं फ्रेंड्स, लेकिन मैं चाहूँगा कि फैक्टर मेथड से छोटी संख्याओं को और बड़ी संख्याओं को भाग विधि से सॉल्व किया जाए फ्रेंड्स। तो आइए एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। जैसे क्वेश्चन वन है फ्रेंड्स कि 1024 का वर्गमूल ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन के अंतर्गत फ्रेंड्स 1024 को फैक्टर मेथड से ना करके हम इसको डिवीजन रूल से सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों समझना है कि डिवीजन रूल क्या कहता है। इसके अंतर्गत फर्स्ट ऑफ ऑल 1024 यहीं रखेंगे फ्रेंड्स, जैसे कि फैक्टर मेथड के अंतर्गत करते हैं फ्रेंड्स। नाउ अब हम क्या करेंगे कि संख्याओं को गिन लेते हैं फ्रेंड्स। अगर संख्याएं सम हैं, सम संख्याएं मतलब 1, 2, 3, 4 चार संख्याएं हैं, और चार कैसी संख्या है? सम। 5 अंक की संख्या होती तो वो कैसी होती? विषम। 6 अंक की होती फिर सम, 7 अंक की होती विषम। तो अगर सम संख्या है, अगर सम संख्याएं हैं तो वहाँ पर हम दो दो के पेयर बनाते हैं फ्रेंड्स, 1, 2। ओके फ्रेंड्स, अगर सम संख्या हैं तो हम दो दो के पेयर बनाएंगे, और अगर विषम संख्या हैं तो पहले एक का फिर दो दो के पेयर बनाएंगे फ्रेंड्स। तो आइए इन दोनों टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। उससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें कि सम संख्या हैं उसको समझते हैं फ्रेंड्स। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले क्या करना है कि पहले पेयर को लेते हैं, जैसा कि इसमें क्या है 10 फ्रेंड्स। तो हम इसमें क्या करेंगे कि एक संख्या का उसी संख्या से गुणा करने पर 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। जैसे 2 × 4, 2 × 2 में किया, 2 × 4 10 से काफ़ी कम। फिर 3 से करेंगे, 3 × 9, 3 × 3 में ही, 3 × 9 10 से कम। फिर करेंगे 4 × 4 = 16, जो कि 10 से ज़्यादा है फ्रेंड्स। हम 4 × 4 में नहीं कर सकते क्योंकि उनका गुणनफल 10 से ज़्यादा आता है। इस कंडीशन में सबसे छोटी संख्या जो कि 3 है, 3 × 3 में गुणा करने पर हमें 9 प्राप्त होता है, हम उससे देना बेहतर समझते हैं फ्रेंड्स। तो 3 को यहाँ लिखेंगे, 3 ही यहाँ लिखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद 3 × 9 डिजिट के नीचे डिजिट आनी चाहिए, तो 10 में से 9 गया तो 1, और ये 24 उतार लिया। दोस्तों यहाँ एक बात का ध्यान रखना है कि संख्याएं पेयर में ही उतर करके आएंगी। नॉर्मल भाग करते हैं तो एक एक करके उतारते हैं, लेकिन यहाँ पेयर में ही उतर करके आएंगी, इस बात का विशेष ध्यान रहे फ्रेंड्स। पेयर में ही ड्रॉप करेंगे संख्या को दोस्तों, जैसे 24 को 24, 2 नहीं लेंगे, 24 ही लेंगे, पेयर में ही उतारेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या करते हैं, प्लस लगा के इनको ऐड कर देते हैं, 3 × 3 6 बनता है दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, 6 × 6 में नहीं करेंगे फ्रेंड्स, अब नॉर्मल डिवीजन की तरह इसमें भाग देंगे दोस्तों। तो 6 × 12, 2 का भाग देंगे, 1 में नहीं जाएगा 6 का भाग, 12 में चला जाएगा, तो 6 × 12, लेकिन 2 का 2 यहाँ करेंगे फ्रेंड्स। मेरी बात समझ पा रहे हैं, 6 × 12 में भाग देंगे, 6 × 12, 2 यहाँ रखेंगे, फिर 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों संख्याओं में करके देखेंगे कि कहीं वह एक